नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की वजह से लोग डरे हुए हैं और अपने अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता जब नोएडा पहुंचे तो वहां पर लोगों का पलायन जारी था। लोग अपनी जान की परवाह ना करके पलायन कर रहे हैं। देखिए संवाददाता पुनीत गोस्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त हैं नोएडा एक्सटेंशन के गांव सावेरी में और आप देख सकते हैं कि यहां पलायन जारी है, कि मजदूर नोएडा से आ रहे हैं और अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। आप कहां से आए हैं भैया, कहां जा रहे हैं? बरेली। आप पैदल ही जाएंगे? क्यों, आपको ऐसा क्या मजबूरी पड़ गई जो आपको अपने गांव पैदल जाना पड़ रहा है? खाने को नहीं है, कुछ खाने को है नहीं, इसलिए अपने गांव जा रहे हैं। कुछ खाने के लिए नहीं है इसलिए अपने गांव जा रहे हैं। सर, कल एक गाड़ी आई थी, चार लोगों को दिया, हवाई बाकी का जो है वो बचाते रहे। हमारे साथ यहाँ के समाज सेवक, आपका शुभ नाम? मोहम्मद एहसान। एहसान जी, यहाँ पर जो भी लोग मजदूर जा रहे हैं उनको बिस्किट्स और पानी निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं, आप ये कब से यहाँ पे बांट रहे हैं? कई दिनों से एहसान जी यहाँ पे पानी और बिस्कुट सबको मुहैया करा रहे हैं। और लगभग कितने मजदूर यहाँ से अभी जा चुके होंगे? यहाँ से तो बहुत निकलता है, एक लाख मजदूर जा चुका है, 1 लाख कम से कम। आपने सुना कि यहाँ से 1 लाख मजदूर, नोएडा से 1 लाख मजदूर अपने अपने गाँव की तरफ निकल चुका है। सोचिए क्या स्थिति होगी आने वाले समय में, इंडस्ट्री का क्या हाल होगा, लेबर जा रही है, क्या 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 बता रहे हैं ये लोग, इनको क्या समस्या आ रही है, क्यों ये पलायन कर रहे हैं? काम बंद हो गया, पैसा और ना किसी को देने को पैसा, बिल्डिंग वाले भी कह रहे हैं खाली वाले जरा अगर काम ही नहीं तो हम पैसा कहाँ से, पीछे से पैसा नहीं है, परेशान है ये बेचारे, अपने पैसे जा रहे हैं। इनके मालिक इनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इनकी मजबूरी है, इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, इसलिए लोग अपने अपने गाँव की तरफ रवाना हो गए हैं। अब देखते हैं कब और कितने समय में अपने घर पहुंचेंगे, रास्ते में इनको क्या सहायता मिलेगी प्रशासन के द्वारा। नमस्कार, मैं पुनीत गोस्वामी।